गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारियां संगतां बड़े वड्डे भागां वाले हो, जिहड़े हर साल की तरह धन बाबा बुढ़ा साहिब जी के सारे स्थानां ते सलाना जोड़ मेला 14 बड़ी भावना श्रद्धा प्यार धूमधाम नाल हर साल मनाउंदे। पंथ दी सरमोल संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब समुचे प्रबंध वालों बड़ी भावना श्रद्धा नाल इन्हां सारिआं अस्थानां ते बाबा बुढ़ा साहिब जी का 14 दिहाड़ा जिहड़ा उह मनाया जा रहा है। बाबा बुढ़ा साहिब जी के आखिरी समय ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इस नगर में आए सन, ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने धन बाबा बुढ़ा जी के घर गुरद्वारा साहब जी के ताप बाबा बुढ़ा जी के तप स्थान ते दर्शन दे के बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बाबा बुढ़ा साहब जी का जीवन लोक ते परलोक सुहेला किया। वाहिगुरू जी, ये बाबा बुढ़ा साहब जी की आखिरी भावना सी कि जदों भी मेरे आखिरी सुवास पूरे होना उस समय मेरे पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी मेरे कोल होण, ते बाबा बुढ़ा साहब जी दे याद करन करके बाबा बुढ़ा जी दे अंत दे समय ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इस नगर में आए। गुरद्वारा भाई सुखा साहब जी तो नंगे पैरें बाबा बुढ़ा जी दे घर गए, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं दर्शन दिते। बाबा बुढ़ा साहब जी बड़े खुश होए, बड़े प्रसन्न होए, ते बाबा बुढ़ा साहब जी की आखिरी भावना पूरी हो गई सी। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने बहुत ज़्यादा प्यार मान सत्कार वड्याइया बख्शिश कीतियाँ। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने देखा भी हुण धन बाबा बुढ़ा साहब जी के आखिरी सुवास पूरे होने वाले है, तो बाबा बुढ़ा साहब जी के सराहने वाले पासे होकर चौंकड़ा लगा के बाबा बुढ़ा साहब जी का पवित्र सीस अपनी गोदी में रखिया। धन बाबा बुढ़ा साहब जी मेरे पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी के दर्शन करते करते गुरु जी के कर कमलों में धन बाबा बुढ़ा जी ने अपने आखिरी सुवास स्थान पर पूरे कर दिए। उपरंत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने धन बाबा बुढ़ा जी की मृतक देह का अपने पवित्र हथां दे नाल इशनान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, आप कानी लग के नंगे पैरी चल के बाबा बुढ़ा जी के घर गुरद्वारा तप स्थान तो इस स्थान पर बाबा बुढ़ा साहब जी की मृतक देह का थड़ा साहब जी के उपर, जिस थड़ा साहब जी के उपर गुरबाणी के निरंतर जाप चल रहे हैं, इस थड़ा साहब जी के उपर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अपने पवित्र हथां दे नाल कली कली लक्कड़ चिणी ते अपनी हाजिरी में धन्यवाद कार करवाया। इस थड़ा साहब जी के उपर जिते जोत जग रही है, टाली साहब जी का दरख्त है। इस स्थान पर भाई जेठा जी ने जदों बाबा बुढ़ा साहब जी का अंतम संस्कार हो रहा सीगा ते इस स्थान पर चौंकड़ा लगाया, चौंकड़ा लगा के कीर्तन 16 साहब जी का जाप किया, अरदास बेनती की। इस स्थान पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बाबा बुढ़ा जी के घर लगभग 17 दिन बाबा बुढ़ा साहब जी की सिख मर्यादा अनुसार श्री अखंड पाठ साहब जी के भोगों तो उपरंत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अपना अगला पड़ा किया। तुसी सारियां संगतां बड़े वड्डे भागां वाले हो जिहड़े बाबा बुढ़ा साहब जी के अस्थाना के दर्शन करके देश विदेशों में भी अपने घरां विच भी बैठ के बाबा बुढ़ा साहब जी के अस्थाना के दर्शन करके अपना जिहड़ा जीवन है लोक ते परलोक सुहेला कर रहे हो। समुचे प्रबंध वालों सारियां संगतां नूं धन बाबा बुढ़ा साहब जी के पवित्र अस्थाना ते पहुँचण ते जी आया आख्या जांदा है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कृपा करन, धन बाबा बुढ़ा साहब जी कृपा करन, सारियां संगतां दे परिवारां विच हमेशा चढ़दी कला
दरों घरों सिखी जीवन नाम दियां दातां अमृत दियां दातां नाल धन बाबा बुढ़ा जी नवाजण जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।